धर्मशाला उपचुनाव में भाजपा से टिकट चाहवानों की कतार लगातार लंबी होती जा रही है। अब भारतीय मजदूर संघ ने भी धर्मशाला से टिकट की दावेदारी जता दी है। भामंस के प्रदेश उपाध्यक्ष देश राज पठानिया ने मीडिया के समक्ष धर्मशाला से भाजपा से टिकट की मांग उठाई है। यही नहीं, भामंस प्रदेश नेतृत्व उपचुनाव में टिकट के लिए रणनीति बनाने धर्मशाला में जुटेगा। भामंस प्रदेश उपाध्यक्ष देश राज पठानिया ने बताया कि वे वर्ष 2090 से भारतीय मजदूर संघ से जुड़कर कार्य कर रहे हैं और भामंस भी भाजपा का ही अंग है। उन्होंने बताया कि भामंस प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर ही उन्होंने टिकट की दावेदारी जताई है तथा इस संबंध में प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के समक्ष भी भामंस अपना पक्ष रखेगा। उन्होंने कहा कि भामंस नेता के रूप में वे लंबे समय से कर्मचारी हितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं तथा कर्मचारी वर्ग की कई मांगों को सरकार के समक्ष उठाया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, ऐसे में कर्मचारी नेता होने के चलते उन्हें उपचुनाव में लाभ मिल सकता है। गौरतलब है कि धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के खनियारा निवासी देशराज पठानिया आईपीएच विभाग धर्मशाला में बतौर वर्क इंस्पेक्टर कार्यरत हैं। तो पहले मैंने अपने सिर से बात की थी तो आज हमने दावा रख दिया। उन्होंने शायद पहले हमने बोला था कि आप दावा रखो, हमने नहीं रख पाए, लेकिन आज हमने जब बोला कि दावा रखो शायद बात हुई उनकी, तो हमने दावा रख दिया। अभी 2 दिन पूर्व भी धर्मशाला में जो है मुख्यमंत्री आए थे और संगठन भी पूरा भाजपा का यहाँ आया था उम्मीदवार तय करने के लिए, आप वहाँ जाके उनसे मिले हैं या आपने उनसे मांग रखी है टिकट की? उससे हमारे जो शीर्ष जो हमारे जैसे मदन राणा जी है जिससे जिम्मेवारी दी है, ममताराम नेगी जी है, वो उनसे मिले हैं। विकासखंड नूरपुर के तहत राजकीय प्राथमिक स्कूल 15 हेड को इलाके का मॉडल स्कूल बनाने की कवायद शुरू कर दी है। बीते दिनों नूरपुर के तहसीलदार डॉक्टर गणेश ठाकुर ने उक्त स्कूल को गोद लिया था। स्कूल में एक सादे समारोह का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता तहसीलदार डॉक्टर गणेश ठाकुर ने की। समारोह के दौरान बासा मंजीरा निवासी गोल्डी पठानिया ने 15 हेड स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने के लिए अपने परिवार की तरफ से 1 लाख रुपए का चेक भी भेंट किया, जबकि ठाणा निवासी रविंदर सिंह ने भी अपनी तरफ से 11,000 रुपए का चेक भेंट किया। गुलाब ठाकुर ने खेल का भी सम्मान भेंट किया। डॉक्टर गणेश ठाकुर ने कहा कि हमारी कोशिश है कि स्कूल के हर बच्चे को बैग, वर्दी और पानी की बोतल इत्यादि दिए जाएंगे। वाटर बॉटल, उसके लिए शूज, उसके लिए जुराब और जो भी सुविधाएं दे सके हम यूनिफॉर्मिटी पे, वो हम उस पैसे से खर्च करेंगे। दूसरा, एक सनातन धर्म वाहिनी नूरपुर है, उन्होंने भी 11,000 रुपये का चेक पेश किया है और जो एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लोग जागरूक हो रहे हैं, स्कूल में एडमिशन्स बढ़ेंगी इससे और एक स्कूल का नाम होगा और कोशिश करेंगे कि यहाँ का हर बच्चा एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग नूरपुर के सौजन्य से नूरपुर में खंड स्तरीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता एसडीएम नूरपुर डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने की। इस मौके पर एसडीएम ठाकुर ने कहा कि सरकार का मिशन है कि वो 2022 तक बच्चों, महिलाओं, किशोरियों में अनीमिया, कुपोषण और नौनिहालों में स्टीनिंग के मामलों में हर वर्ष 2% की कमी लाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत लोगों को 0 से 6 वर्ष के बच्चों को कुपोषण के प्रति जागरूक करने के साथ साथ उनमें खून की कमी, दिव्यंगता व स्वास्थ्य की संपूर्ण देखभाल, भोजन, लड़कियों की शिक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं की इस अवधि में स्वास्थ्य की नियमित जांच करवाने व सेहत संबंधी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी उपलब्ध करवाना रहेगा। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गर्भवती महिलाओं को 70 दिन की बजाय 30 दिन के भीतर
पंजीकरण सुनिश्चित करने को भी कहा है, जिससे इन महिलाओं का शत प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने महिलाओं से भी उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का पूरा पूरा लाभ उठाने की अपील की। अंडर न्यूट्रिशन जो है कुपोषण को भी 2% जो है प्रति वर्ष की दर से हमें 2022 तक हम 6% कम करना है। रिड्यूस बॉडी जो बर्थ के समय में जो बच्चे का जो वेट होता है उसको हमने जो ऐसे केसेस है उसको हम कम करने का जो है इस बारे में कर रहे हैं। और एनीमिया की प्रेवलेंस जो है छोटे बच्चों और जो है किशोरियों और महिलाओं में जो है इसको 2% पर एनीमिया के हिसाब से जो है इसे हमने जो टारगेट्स मिले हैं इसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। बागघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने धूमधाम के साथ अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में विधानसभा के अध्यक्ष राजीव बिंदल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप, खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान बैंक की नींव रखने वाले सदस्यों और उनके परिवारों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव बिंदल ने बागघाट बैंक के पदाधिकारियों को गोल्डन जुबली की मुबारकबाद दी और कहा कि बैंक एक छोटे से कमरे से आरंभ किया गया था और आज न केवल सोलन में बल्कि अन्य जिलों में भी बैंक अपनी सेवाएं दे रहा है। उन्होंने बताया कि सहकारी बैंकों में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उसके बावजूद बैंक निरंतर विकास करता रहा और सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा है, जो कि काबिले तारीफ है।